Hey friends, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गर्मियों में घी निकालने की रेसिपी. अब आप लोग जब गर्मियों में घी निकालते हैं तो आप लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लाइक कि आप घी निकालने की कोशिश करते हैं और वो मक्खन निकल ही नहीं पाता है. फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि हमें मलाई से मक्खन निकालना होता है और अगर मक्खन निकालना सॉर्ट आउट हो जाए फिर तो घी बनने में कुछ रह ही नहीं जाता है. तो मक्खन निकालने में जो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम होती है उसका कुछ रीज़न है, कुछ टिप्स हैं उसके लिए खास जो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा और वो टिप्स अगर आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, टिप्स कैसे लगे. अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप घी बहुत ही आराम से निकाल पाएंगे और बहुत सारा घी निकाल पाएंगे. जो ट्रिक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उस ट्रिक में जो लास्ट में छानस बचती है घी निकालने में वो भी बहुत ही कम बचेगी. आपको बिलीव भी नहीं होगा कि इतनी कम छानस भी बच सकती है और इतना सारा घी निकल सकता है. और जो दूध निकलता है उसको भी हम फेंकेंगे नहीं, उससे भी हम बनाने वाले हैं पनीर, तो वो भी इस वीडियो में शेयर करूंगी. तो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें इन सभी चीज़ों को जानने के लिए और कमेंट्स करके बताइए कि आज की ट्रिक्स इतनी सारी जो मैंने इसके साथ शेयर की हैं वो कैसी लगी. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट्स करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है, तो आप बेफिक्र होकर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. फिर देर किस बात की, स्टार्ट करें आज का वीडियो. घी बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर मलाई जो कि है केवल 10 दिन की. 10 दिन तक मैंने मलाई स्टोर की है. अब मैंने इसको फ्रीज से बाहर निकाल लिया है. फ्रीज से बाहर निकालने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 3 स्पून दही. दही डालकर इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद आपको इसे पूरे एक दिन के लिए फ्रीज के बाहर रखना है. गर्मियों में जब भी आप मलाई स्टोर करते हैं तो फ्रीज के अंदर ही स्टोर करते हैं, लेकिन जब भी आपको घी निकालना हो तो आप इसको एक दिन पहले फ्रीज के बाहर दही डालकर रख दीजिए. एक दिन के बाद आप देख सकते हैं कि मलाई में कितना अच्छा फर्मेंटेशन आ गया है. मींस जब आप दही डालकर रखते हैं तो मलाई अच्छे से खमीर उठ जाता है मलाई के अंदर. जस्ट लुक एट दिस, कुछ इस टाइप से हो जाती है जिसकी वजह से आपको मलाई से मक्खन निकालना बहुत ही इजी हो जाता है. ये थी हमारी फर्स्ट टिप. आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास मलाई तैयार है. अब बारी आती है इसका मक्खन निकालने की. तो मक्खन निकालने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी बर्फ का. अगर आपके पास बर्फ नहीं है तो बर्फ का पानी यूज कर लीजिए, नहीं तो एकदम ठंडा पीस का पानी आपको यूज करना है. इसके लिए मैंने मिक्सिंग जार में आधी मलाई ली है और थोड़े से बर्फ के पीसेस इसमें डाल दूंगी. अब क्योंकि हम गर्मियों में मक्खन निकाल रहे हैं तो गर्मियों में आप जब भी मक्खन निकालें आपको एकदम ठंडे पानी का या फिर बर्फ का ही यूज करना है. जब सर्दियों में निकालते हैं तो गर्म पानी का यूज करते हैं. आप देख सकते हैं 5 मिनट तक चलाने के बाद ये थोड़ा बहुत मक्खन निकल गया है, लेकिन बहुत ही अच्छे से निकल जाए तो इसमें मैं बर्फ का पानी ऐड करूंगी. और बर्फ का पानी अगर थोड़ा कम पड़ जाता है तो एकदम ठंडा पानी इसमें ऐड कर दीजिए और अगेन इसको चर्न कीजिए. जब भी आप गर्मियों में चर्न करते हैं तो 3 से 4 मिनट तो लगते ही हैं, तो बिल्कुल भी डरिए नहीं कि मक्खन नहीं निकल रहा है, बस मलाई रह जा रही है. 3 से 4 मिनट तक आप जब इसको लगातार चलाते रहेंगे ठंडा पानी डालने के बाद तो इसमें से मक्खन निकलना स्टार्ट हो जाता है. एंड जस्ट लुक एट दिस, मक्खन बिल्कुल बढ़िया से निकल गया है. मक्खन और पानी जब अलग अलग हो जाए तब आप समझ जाइए कि मक्खन निकल गया है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मक्खन नहीं निकल पाता है, तब उस स्टेज में आपको क्या करना है कि जब आप मलाई को मिक्सर ग्राइंडर में चर्न कर रहे हैं और वो मक्खन नहीं निकल पा रहा है तो आप इसको एज इट इज फ्रीज में रख दीजिए 2 से 4 घंटे के लिए. जब फ्रीज में एकदम वो ठंडी हो जाए उसके बाद अगेन आप उसको चर्न कीजिए तो आप देखेंगे फटाफट से एकदम मक्खन आपका निकल कर तैयार हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी की सारी मलाई का मक्खन निकाल दिया है. मक्खन देख सकते हैं कितना सफेद, कितना बढ़िया मक्खन निकला है और बहुत ही आसानी से निकल गया. तो अब इसमें जितना भी मक्खन है उसको प्रेस करते हुए एक अलग बर्तन में निकाल लीजिए. मैं डायरेक्ट कढ़ाई में निकाल रही हूँ क्योंकि अभी मैं इसका घी बनाऊंगी. तो मक्खन देख सकते हैं कितना सारा निकला है. इतना सारा मक्खन आप इतनी सी मलाई से निकाल सकते हैं, तो मजेदार है ना. अभी जो बचा हुआ दूध है इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इससे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पनीर. तो पनीर अभी आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है. फिलहाल ये जो मक्खन निकला है अब हम इसको रख देते हैं गैस पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर. आप इसको गैस पर रख दीजिए, लो फ्लेम पर ये पकता रहेगा तो 10 से 15 मिनट में आपका घी भी निकल कर तैयार हो जाएगा. तो इस तरीके से इसको रख देते हैं एक साइड में. और जो अब बचा हुआ दूध था उसका हम पनीर कैसे बनाएं? जो दूध है उसको पहले आप गर्म होने के लिए रख दीजिए.
जब तक दूध अच्छे से गर्म हो जाता है उस स्टेज पर आपको इसमें ऐड करना है विनेगर यानी कि सिरका, जो आप चाउमीन वगैरह में डालते हैं सिरका, बस वही आपको यूज करना है। एक चम्मच सिरका डालकर इसको इसमें मिक्स कर दीजिए और 10 से 15 मिनट तक इसको पकने दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इधर आपका घी निकलकर तैयार हो जाएगा और उधर ये जो दूध है इसमें से पानी और पनीर अलग अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर घी रखा हुआ है, तो इसको भी आपको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई में लगने का डर रहता है। और इधर आप देख सकते हैं कि पानी अलग हो गया है और पनीर बिल्कुल अलग हो गया है। तो बस इस स्टेज पर इसको आपको उतार लेना है और इसको उतार कर आपको कैसे इसका पनीर बनाना है दिखाती हूँ आगे इस वीडियो में। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इधर घी भी ऑलमोस्ट तैयार होने के लिए आ गया है, तो मैं इसको रख देती हूँ दूसरी वाली फ्लेम पर और इसको चलाती रहूंगी बीच बीच में। अब बात करते हैं कि घी निकलने वाला है, इसकी क्या पहचान है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बबल्स आ रहे हैं, मीन्स उबाल आ रहा है। जब भी इसमें उबाल आए तो आप इसको चलाते रहिए ताकि जो इसकी छानस बचने वाली है वो कढ़ाई में लगे नहीं। जब इसमें ये बबल्स आने लगे और ये धीरे धीरे से जो इसकी आवाज चेंज हो जाती है वो आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। और आप देख सकते हैं अब घी अलग होना स्टार्ट हो गया है और जो इसके अंदर छानस निकलती है वो अलग होना स्टार्ट हो गई है। तो बस इस तरीके से आपका घी बहुत ही जल्दी निकल जाता है। जस्ट लुक एट दिस, घी कितना बढ़िया निकल गया है। अब आप चाहें तो इसको ज्यादा देर तक पका सकते हैं, चाहें तो आप इसको सफेद रखना चाहें तो थोड़ी कम देर तक पका सकते हैं। इस तरीके से आपका घी और छानस अलग अलग हो जाती है। अब इस स्टेज पर मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और घी को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। इधर घी हमारा ठंडा हो रहा है, दूसरी साइड में हम बनाते हैं अब पनीर। जो पनीर हमारा अलग हुआ था इसके लिए मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, उसके ऊपर एक कपड़ा रख लिया है और अब इस कपड़े के अंदर मैं इस बर्तन में से पनीर को निकालने वाली हूँ। हमेशा एक कपड़ा रखकर ही निकालें क्योंकि वरना अगर आप केवल डायरेक्ट स्ट्रेनर में यानी कि छलनी में निकालेंगे तो ये सारा का सारा पनीर नीचे बह जाता है। और इस तरीके से आप इसको जब निकालेंगे तो इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप उस कपड़े को उठाइए और इस तरीके से उसको निचोड़ लीजिए, मीन्स उसके अंदर जितना भी एक्सेस वाटर है वो सब निकाल दीजिए। और बस 10 मिनट तक आपको इसे ऐसे ही निचोड़े रखना है, मीन्स ऐसे ही रखिए, लटकाने वटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जस्ट लुक एट दिस, आपका ये पनीर बिल्कुल रेडी हो जाता है। कैन यू बिलीव कि आप जिस चीज़ को फेंकने वाले थे उससे आप इतना बढ़िया सा पनीर भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है ये पनीर, और इस पनीर से भी आप एक बहुत ही अच्छी सी सब्जी बना सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। इधर घी बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और स्ट्रेनर में इसको छान लिया है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी छानस है वो भी बहुत कम ही निकली है और इस छानस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको भी फेंकती नहीं हूँ, इस छानस को और जो हमने पनीर निकाला है उसको हम यूज़ करके एक बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी मैंने बनाई है, अगर आप इसकी भी रेसिपी चाहते हैं तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इधर आप देख सकते हैं कि घी कितना सारा निकल गया है, इतना बढ़िया टेस्टी घर का शुद्ध घी निकलकर बिल्कुल तैयार है और वो भी इतनी गर्मियों में बहुत ही आराम से निकल गया। आई होप कि इतनी इंटरेस्टिंग रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इतनी आसानी से आपने घी निकाल लिया तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दीजिए।